हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनूप सेमवाल। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा जो आयुर्वेदिक गुण से युक्त है, जिसका आप प्राथमिक उपचार के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं इसका। और ये है आपका पौधा, ये है, इसको बोलते हैं बसिया घास, जिसका आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। प्राथमिक उपचार जिसका कहीं पर आपकी चोट लग गई या खून बह रहा है या कहीं पे पक गया है, तो आप वहाँ पे इसको पेस्ट बना के या इसको ऐसा मसल के इसका रस, जो रस निकलेगा उस घाव पे डाल दो। घाव जल्दी रिकवर हो जाएगा इससे 2 या 3 दिन में। और जो आपका खून बह रहा है, बंद नहीं हो रहा है, तो आप उस इसका जो रस है उसको निकाल के आप उस पर डाल दें तो आपका खून बहना बंद हो जाएगा। इसका बहुत ही अच्छा गुणकारी और चमत्कारी उपचार है। आप देखिए ये वाला पौधा है, वो हेलो फ्रेंड, मैंने अभी आगे वीडियो में भी बताया था। और इसके बाद दूसरा नंबर इसका है, और ये है कुंजू, हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं इसको। इसको आप प्राथमिक उपचार के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ये भी सेम वैसी है, लेकिन ये अगर कहीं कट गया है तो खून नहीं रोकता है। ये आप घाव पे लगा सकते हैं या कहीं पक गया वहाँ पर लगा सकते हैं। और इसमें बहुत ही आयुर्वेदिक गुण होते हैं इसके अंदर, जो आप कर सकते हैं। यदि आप कहीं पर डॉक्टर ना मिले तो आप इमरजेंसी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी दवाई है। इसका उपयोग आप इसको पीस के घाव पे लगा सकते हैं या हाथ से मसल के इसका रस घाव पे डाल सकते हैं। ये देखिए, ये है ये पौधा। भाई जी, आप खाएंगे हम हिसुल? वाह, आहा, बहुत टेस्टी है ये हिसुल। तो कम लगी हुई है। ये है अलमोड़ू, ये खट्टा खट्टा होता है, इसको खाते भी हम। बहुत बढ़िया टेस्ट होता है इसका, जंगल में होता है। चटनी में भी डालते हैं कई लोग इसको, बहुत अच्छा होता है चटनी में भी। कई बार सब्जी में भी डाल देते हैं, हरी सब्जियों में भी डालते हैं लोग। बहुत बढ़िया टेस्ट होता है, हम तो खाते हैं इसको बहुत। ये देखिए, बहुत सारे हैं आलू लगे हुए। ये है